Assalamualaikum everyone. So it's the first roza. मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है because I slept at 2 के भी बाद शायद and it's 4 something. तो खैर उठना 4 बजे था, 4 से पहले था, लेकिन अभी आँख खुली है and I'm going. बस जल्दी से मैं जा रही हूँ शहरी बनाने फिर, और अभी अभी एफ आउट गए, लेकिन खैर शहरी है कि शहरी उसको अभी फीडर से दूध पिला रहे हैं, तो अब समझ नहीं आ रहा कि वो ऊपर है और नाश्ता मतलब शहरी नीचे हो रही होगी, तो उसको अकेले छोड़ के जाने हैं क्या, बट खैर देखते हैं, अभी शायद दूध पी के सो जाएगी. तो आई एम गोइंग. किसके सही हो चुकी है एंड जल्दी जल्दी मैं डिडंट रिकॉर्ड एनी थिंग, बट शेरी हैड स्लाइस ऑमलेट एंड आई हैड अ फ्रोजन पराठा विद चाय. चाय में बस डिप करती हूँ, मैं चाय पीती नहीं हूँ. तो समझ ये कहते तुमने गिरे बड़े होना है, क्योंकि बहुत छोटा पराठा होता है, लाइक बहुत छोटा होता है वो. डॉन का था या पता नहीं किसका था. खैर बस वो खा लिया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी सी हो रही है. हालाँकि रात को भी मैंने सिर्फ आधा पराठा खाया था डिनर में, बट पता नहीं. तो खैर बस 4-5 मिनट रह गए, आई एम गोइंग टू गो एंड ब्रश, उसके बाद बस नमाज़ पढ़ेंगे और फिर देखते हैं. दी करंट सिचुएशन ऑफ आर रूम, या हमारा बेड का छिपा हुआ है. इफ़ा भी नीचे है, शेरी ना उसको कॉट में करके वो उठ गई थी ना उस टाइम दूध पिला के. शेरी उसको कॉट में करके ऊपर से चादर ढक के लेके नीचे आए ताकि उसको रोशनी भी ना मिले, और वो सोई रहे. तो खैर उसको साइड वाले रूम में रख गया था जहाँ से हमें आवाज़ आती है कि अब खैर उसको लेके आएंगे. एंड मुझे बस यही डर लग रहा है कि उसको ज़रा सा भी हिलाया हमने और वो उठ जाएगी एंड शी वॉन्ट लेट मी स्लीप. इफ़ा को ले आए हैं शेरी एंड मैंने ये जैनमा से बचा दी हैं. रमज़ान इज़ दी ओनली टाइम जब हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी फजर की, मतलब अपने रूम में. अदरवाइज मोस्टली हम मम्मा पापा के रूम में पढ़े होते हैं. तो दिस इज़ माई आदत फ्रॉम रमज़ान. अभी मुझे याद आया कि मैं अपने साथ शेरी के भी बिछा देती हूँ. सो हाउ आर यू फीलिंग? पहला रोज़ा मैंने बहुत टाइम से रखा है, शहरी बहुत टाइम से की है, और मैंने वेप भी टाइम से पी लिया था, और ब्रश भी कर लिया, और पानी भी पी लिया. मैं तो अब दुश्मारी हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ. मुश्किल तो नहीं होता. मैं चेक करूँ एक सेकेंड को. हमारा यूफू बाबा खुल गया है और अब अंगड़ाइयाँ लेती रहेगी लेती रहेगी. हाँ तो उसने फौरन निकाल दिया है. पकड़ो ना, छोड़ दो. ऐसे करती है तो दूसरा हाथ पकड़ो. स्मार्ट बस 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 टांगे टांगे छोड़े उसकी हाथ पाले बस. हमने अपने बच्चे का शेर लिया है. बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह. बेबी एंड बाबा अभी तो रहमत थी, अभी फुल खोलनी थी इसने आके. शेरी मैं लाइट ऑफ करके आती हूँ ताकि सोए. ये मैं फा की बॉटल बना के रख रही हूँ. मैं एक दफ़ा रात को बना लेती हूँ और अब फजर में कैर उठ रही हूँ, तो ये भी बना के रख रही हूँ. आई डिड नॉट स्लीप येट और ये उठ के बैठ गई है. ये देखा ये खेलने का टाइम आ गया इसके. जान छू जो गाइस ये देखें, एक शहरी के फौरन बाद उठ गई है और हमें तो उसने सोने नहीं दिया. ये इसकी माँ इसको सुला रही है. मैंने तब तक ये वार्डरोब लिंक का पार्सल जो है
पैक करके रख लिया है। अब हमें कुछ तो करें, टाइम को यूटिलाइज तो करना है। आठ बज रहे हैं, ये देख लें गाइस, इसने हमें सुबह सुबह ही रोज़ा लगवा दिया है। गाइस ये देखें, ये बच्चा है, ये सैरी के फौरन बाद हम लेटे हैं तो 10-15 मिनट में ही उठ गया होगा। उसके बाद इसने हमें जो जगाया है। फिर 11 बजे घर के ना हमारी मेड है वो आ गई, तो उसको हमने दे दिया कि इफ़ा को ज़रा संभाले। मैंने कहा ज़रा 10 मिनट आँख लगा लेता हूँ, मेरी आँख लगी और फिर मैं अभी उठाऊँ तकरीबन दोपहर 2:30 बजे, तो मेरा सुबह का क्लिनिक मिस हो गया। इस इफ़ू ने मिस करा दिया मेरा क्लिनिक है। इफ़ू ऐसे कहते हैं इफ़ू बाबा। मामा क्या कर रही हैं इफ़ू? हैफू मामा क्या कर रही हैं? इफ़ू को बस हाथ खाना है अपना। वी वोक अप सो लेट, हम सहरी के बाद वही जो क्लिप्स आए थे उसमें उठे थे हम लोग, और ये देखो कैसे भागी है नीचे। अच्छा तो खैर फिर उसके बाद इफ़ा ने सोने नहीं दिया, मैं उसको बार बार सुला रही थी, लेकिन मैक्सिमम ही 10-15 मिनट सोती है, सिर्फ एक रात को कंटिन्यूस थोड़ा सोती है फजर तक। तो खैर फिर मेरी जो बच्ची है वो आई है 10:30-11 के अराउंड, वैसे 11 बजे आती है तो आई है। मैंने बस नींद में उसको सारी चीज़ें दी हैं इसकी, कि ये सारी चीज़ें इसकी उठाओ, उसको रोज़ पता ही है लेनी होती है इसकी क्या चीज़ें, उसकी चीज़ें उठाओ और इसको उठाओ और जाओ तुम, मैंने सोना है ऊपर ना आना। तो खैर फिर सोए और अब जाके आँख खुली 2:30 बजे, फिर हमने फ़ौरन से जोहर की नमाज़ पढ़ी है। नाउ आई एम गोइंग, इफ़ा को सुबह सुबह नहलाने की आदत है, मतलब इफ़ा को भी आदत है सुबह सुबह नहाने की 10 से 11 के बीच ही, लेकिन अभी तक वो नहाई नहीं है और उसको अब नींद आने लगी है, तो मैं उसको जल्दी से नहला दूँ ताकि वो सो जाए। ये देखें अभी बेजार बैठी है अपने बाबा की गोदी में, बस उसको सोना है और नहाना है। अभी इफ़ा को कपड़े कौन से पहनाऊँ? ये मेरा गंदा बच्चा आ गया है, इसको नहलाने जा रही हूँ मैं। बाबा पढ़ने लगे हैं कुरान पाक, हम करने लगे हैं नहाई। ये वाले इसके मैंने कपड़े निकाल लिए हैं अभी, बिना ज़्यादा गर्मी है ना तो सर्दी है टाइप, तो हाफ स्लीव्स हैं इस टाइप के निकाल लिए हैं। इसकी चीज़ें इसकी भी छोनी। हाँ जी नहाने लगा है, नहाने लगा है। अभी मैं इसकी बस एक दिन मालिश करती हूँ, मतलब नहलाने से पहले, और एक दिन नहीं करती, एक दिन बस ऐसे ही नहला देती हूँ। तो कल मैंने मालिश करके बहुत अच्छे से नहलाया था, अब बस इसको वैसे ही नहाने लगे हैं हम। ये नहा के मुझे आधा घंटा इसने एक्सरसाइज करवाई है, उसके बाद सोई है और कॉट में लटाया दौड़ के, लेकिन सो जाएगी फिर से। ये कुछ चीज़ें रह गई थी जिनको मैंने इनमें नहीं किया था, जिप लॉक बैग्स में, तो स्प्रिंग रोल का कुछ मटेरियल बचा था और समोसे की पट्टियाँ थी, तो वही मटेरियल समोसे की पट्टियों में कट गया था, तो ये भी मैं इसमें करने लगी हूँ। ये देखिए मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, इन्होंने मेरी हैंड्स फ्री तोड़ दी है, इन्होंने मेरे एयरपॉड्स ले लिए हैं, और एक ब्लूटूथ मेरे पास थे बहुत प्यारे, वो इन्होंने गुम कर दिए हैं। मैं इस हालत में लेटी एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बस नीचे जाना है मुझे, जल्दी से नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद चेंज करके मैं नीचे जाऊँगी इफ्तार की तैयारी करने। और इन्होंने फुल तेज़ आवाज़ में पंखा चला दिया, ऊपर से ड्रायर यूज़ करने लग गए हैं, और इनको पता है मैं बस कुछ नहीं है, मैं फुल गरीब हुई हूँ। हैंड्री मेरी इन्होंने तोड़ दी, ब्लूटूथ एक मेरे इनके पास हैं, और एक मेरा ब्लूटूथ इन्होंने गुम कर दिया। सब गुम कर देते हैं या तोड़ देते हैं यार, एंड अब मैंने इनको बोला है कि मुझे नए लेके दें। मैं बिजी लग रहा हूँ। क्या काम कर रहे हैं? अपने वेब इकट्ठे कर रहे हैं, शेरी अफ्तार के बाद इकट्ठे करिएगा। और चार्जर बंद कर रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। सुबह तो गए नहीं,
एक दो बस बहुत ज़्यादा नहीं लगाती लगा लिया है बहुत लाइट है यहाँ पे और अभी लिपस्टिक्स में मैं मैट नहीं लगा रही बस ये वाली लगाने लगी हूँ एक हाथ से करना कितना मुश्किल है हाँ जी आ जाओ एक सेकंड खोल रही हूँ बस आ रही हूँ वो नहीं मैंने कर लिया अब मैं नीचे जा रही हूँ नमाज भी नीचे जाके पढ़ूँगी पहले मैं ताकि चीज़ें निकाल के डिफ्रॉस्ट होने रख दूँ स्प्रिंग रोल्स फ्राई कर रहे हैं अम्मा पकौड़े बना रही हैं उधर मैंने डिफ्रॉस्ट पे रखे हैं समोसे चिकन टिक्का वाले और ये इफ़ा तंग कर रही है ये रोज मगरिब के टाइम तंग करती है गंदी बच्ची इतना गर्म नहीं है हाँ कहाँ से आ रही हो देख लो बारिश बारिश ओह कितना मजे का हो रहा है रेन एंजॉय कर रहा है बारिश ऐसे बैठी मगरब अफ्तार इज डन नमाज इज डन इफा सो रही है मुझे अपने एक दाढ़ का थोड़ा सा पेन हो रहा है उसको थोड़ा सा काम करवाना है तो मैं जा रही हूँ मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए लाइट ऑन की कि चलो मैं इसकी वीडियो बनाऊँ और ये फ़ौरन हिल गई फ़ौरन आ गई फ़ौरन इसने हेलो डॉक्टर साहब कैन आई फ्लर्ट विद यू डॉक्टर साहब You're so cute, doctor. You're so handsome, doctor. handsome. चलो. Lipstick आली तो वही उतरी हुई है. हम खा के. मैडम. जब भी किसी काम में बिजी होते हैं ना मुझे बहुत मज़ा आता है इनकी टंग देने में चलो और चेक करें उसको अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और 5 मिनट के अंदर अंदर ही बंद हो गई लेकिन सब गीला कर दिया उसने फुल लेवन पर नाले बह रहे हैं मैं नमाज़ पढ़ रही थी सुंदर ने बीच में बुलाया वहाँ बीच में पढ़ते पढ़ते देख के बस भाग गई वापस नमाज़ पढ़ने तंग कर रही थी इसको फर्नीचर के आगे लटा दिए जो लाइक्स इफ़ा इफ़ा क्या देख रहे शोफा मेरे एप्स बन गए एक दिन में उसने आगे खोली सोचे क्या ऐसा नाइट शूट में आ गई चले खाना हम खा चुके हैं बिरयानी बनी थी खाने में वैसे हम लोगों ने खाना तो नहीं खाना था सुला दिया था मैंने उसको
वैसे हमें खाना तो नहीं खाना था, पर आज वैसे ही मूड हुआ कि चलो बिरयानी बना लेते हैं, राइस फिर खाए जाते हैं, रोटी नहीं खाई जाती, तो बिरयानी थी वो खा के अब ऐसा टाइम हो गया सोने का तो हम ऊपर आ गए हैं। एंड इसको सुला रही थी कब से और मैंने ज़रा सा बोला अभी उठ के। डे हैज़ ऑलमोस्ट एंडेड, ब्रेकफास्ट सो गई है और मुझे सारा दिन कुरान पाक पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, तो अभी मैंने सोचा कि मैं ये टाइम रख लूँ। ब्रेकफास्ट 10 से 11 के बीच सो जाती है, 11 तक सो जाती है, तो एटलीस्ट 11 से 12 मैं कोशिश करूँगी कुरान पाक पढ़ूँ, उसके बाद देखूँगी सोने का, क्योंकि कल भी मैं 12 बजे लेटी पर मुझे नींद नहीं आई थी 2 बजे तक, तो इससे अच्छा मैं कुरान पाक पढ़ लूँ। तो आई एम गोइंग, अब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने इस बार सोचा है कि मैं उसको तर्जुमे के साथ पढ़ूँगी, तो उसके लिए फिर प्रॉपर आपको टाइम निकाल के सुकून से बैठ के पढ़ना पड़ता है, वरना सारा दिन ये होता है कि कभी इफ़ा रो पड़ी, कभी कोई और काम है, कभी कुछ है, और इफ़ा का ही है मोस्टली, तो उसकी वजह से मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिल पाता सही से।